नमस्कार दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम सूचना का अधिकार तथा न्यायपालिका इस विषय पर चर्चा करेंगे। आखिर मामला क्या है ये? उच्च न्यायपालिका के द्वारा सूचना के अधिकार 2005 का विरोध किया जा रहा है। 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच के सामने यह मामला रखा हुआ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को सूचना के अधिकार के तहत आना चाहिए या नहीं। जुलाई 2017 में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने सार्वजनिक तौर से यह राय जाहिर की कि संवैधानिक पदों जैसे कि मुख्य न्यायाधीश व राज्यपालों को सूचना के अधिकार के दायरे में आना चाहिए। न्यायपालिका अपने आप में सार्वजनिक प्राधिकरण है, सूचना के अधिकार कानून के तहत, और यह बहुत से प्रशासनिक कार्य करता है जैसे नियुक्ति, स्थानांतरण आदि। इसकी शिकायतें सूचना के अधिकार कानून के बाहर नहीं है। सूचना के अधिकार कानून का 23 अनुभाग न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोक सकता है। कोई भी न्यायालय कोई मुकदमा नहीं देख सकता जो कि इस कानून के तहत बने किसी आदेश के बारे में हो। साथ ही किसी भी आदेश पर प्रश्न नहीं किया जा सकता सिवाय इस कानून के अंदर अपील करने के, परंतु यह सीमित है। सिविल न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों तक सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि अनुच्छेद 32 और रिट याचिका 32226 और 136 विशेष अवकाश याचिका और 227 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण में अपील सुन सकता है। सिविल न्यायालयों तथा उच्च न्यायालयों तक सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि वे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत 226 रिट याचिका, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 136 विशेष अवकाश याचिका और 227 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र में न्यायाधिकरण में अपील सुन सकता है। मुख्य बिंदु यह है कि न्यायालय सूचना के अधिकार कानून के क्षेत्र में आते हैं, परंतु वाद विवाद के विषय उसका अधिकार क्षेत्र है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं आता और सूचना की मनाही है। पिछले दशक में सर्वोच्च न्यायालय बहुत से सूचना के अधिकार के कार्यकर्ताओं से लड़ा है, जहां केंद्रीय सूचना आयोग ने आवेदन के पक्ष में फैसला दिया है और सर्वोच्च न्यायालय ने उसके निर्णय को चुनौती दी है। पृष्ठभूमि क्या है? सर्वोच्च न्यायालय अपने ही खिलाफ हुए एक मुकदमे में अपने ही CPIO के द्वारा सूचना के अधिकार कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में केंद्र व सर्वोच्च न्यायालय के बीच संवाद की जानकारी मांगी थी, को दी गई जानकारी के खिलाफ सुनवाई की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की ज्येष्ठता का अतिक्रमण कर नियुक्ति की गई। अग्रवाल द्वारा की गई सूचना के अधिकार की याचिका से यह जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी इस बारे में प्रत्यक्ष रूप से आपत्ति की। सर्वोच्च न्यायालय, CPIO तथा अपीलीय प्राधिकरण ने प्रार्थना को अस्वीकृत कर दिया, परंतु केंद्रीय सूचना प्राधिकरण ने इसके पक्ष में फैसला किया। सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ अपील सीधे सर्वोच्च न्यायालय में की गई। उच्च न्यायालय को छोड़ते हुए सर्वोच्च न्यायालय की प्रशासनिक शाखा ने इसके विरुद्ध अपील की व न्यायिक पक्ष ने अपील सुनी। यह मामला अभी 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक बेंच के सामने अपूर्ण है। 2009 में सर्वोच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने अपनी अपील CIC के उस आदेश के समक्ष खो दी जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के सामने न्यायाधीशों की संपत्ति के प्रकटीकरण की इच्छा जताई गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने जजों की संपत्ति से संबंधित सूचनाओं का भंडाफोड़ शुरू किया। साथ ही साथ यह भी दावा किया कि ऐसा वह अपनी इच्छा से कर रहा है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब उच्च न्यायालय इस बात को लेकर काफ़ी नाराज रहे हैं कि न्यायालय से संबंधित किसी मुद्दे पर RTI लगाई गई। फायदे व नुकसान। न्यायालय की चिंता का विषय यह है कि उसकी स्वतंत्रता व उसके न्यायाधीशों के व्यक्तिगत सम्मान को हानि पहुंच सकती है अगर कुछ जानकारी बांटी जाए। न्यायपालिका द्वारा बार बार सूचना के अधिकार को अपनाने से मना करने से न्यायालय की सोच पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है, ना कि सूचना के अधिकार के प्रावधानों की स्वतंत्रता पर।
जनता का विश्वास न्यायपालिका में और अधिक बढ़ जाएगा यदि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत लाया जाए। यह न्यायपालिका में राजनीतिक छेड़छाड़ को भी रोकेगा तथा जब सर्वोच्च न्यायालय अन्य सरकारी अंगों में पारदर्शिता की बात करता है तो न्यायपालिका में भी यही होना चाहिए। पूर्व सूचना आयुक्त शैलेश गांधी ने कहा कि जब वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को देखते हैं, पारदर्शिता एवं सूचना के अधिकार के बारे में इस नियम के 2005 में आने के पूर्व व बाद में उन्हें लगता है कि यह दो अलग देश हैं तथा दो अलग न्यायालय। वे कहते हैं कि किस कारण से यह परिवर्तन आया, वह अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद यह परिवर्तन इसलिए आया कि सूचना के अधिकार कानून से पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक थी, पर कोई भी न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता था और कोई भी न्यायालय के बारे में नहीं जानना चाहता था। लोग केवल कहते थे कि उनकी न्यायपालिका में बहुत श्रद्धा है, सूचना के अधिकार ने सबसे पहले इसे चुनौती दी, यह बहुत अच्छी बात है। अगर न्यायालय शब्दों व भावों दोनों में ही सूचना के अधिकार को माने। धन्यवाद।